मजे की बात बताऊं, स्टिचिंग वगैरह कभी की नहीं है। लास्ट वीडियो देखा था, उसके अंदर मैंने आपको 10 ही 12 कुर्तीज का कलेक्शन, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप जाके वो देख लेना। एंड आई होप कि आपने वो वीडियो एंजॉय किया होगा। सो आज का वीडियो होगा अपना, क्योंकि आज मेरे को मम्मी ने चैलेंज दिया है, कुछ न्यू सीखने वाली हूँ मैं। एंड वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि क्या चैलेंज दिया है, क्योंकि आप पीछे देख रहे होगे कितने सारे फैब्रिक हो रहे हैं, इन सब में पता तो चल ही गया होगा आपको थंबनेल देख के। मम्मी ने मेरे को चैलेंज दिया है कि मैं कुछ न्यू ट्राई करूँ, मतलब स्टिचिंग, हाँ मैं कुछ स्टिच करूँ, मतलब लाइक कुछ भी फैशन। फैशन क्या होता है मुझे नहीं पता, फिर भी देखो मुझे कुछ पता नहीं है, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि आपको अभी इस पे न्यू वीडियोस दिखाई देंगे। पापा शांत। तो अभी मैंने सारे फैब्रिक बिखेर रखे थे, क्योंकि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था किसका बनाऊं मैं, मम्मी की भी है। तो मैं ये कह रही थी कि मतलब इतने सारे फैब्रिक बिखेर रखे थे, एंड कोई भी, मतलब मम्मी कह रही है फर्स्ट टाइम यूज करिए खराब कर देगी, तो मुझे कोई फैब्रिक यूज ही नहीं करने दे रही थी। अब फाइनली जाके मुझे ना ये दो फैब्रिक मिले थे, बट जो मैं बनाने वाली हूँ वो इससे नहीं, इससे मतलब बनेगा नहीं, इससे बनेगा तो ये काफी बड़ा है, शायद इससे बन जाएगा, तो इसलिए मैंने ये वाला लिया है। एंड बाकी तो मुझे लेने ही नहीं दे रही थी, कह रही है तो खराब कर देगी। और ना मुझे इसके लिए लेस भी चाहिए थी, तो इसकी मैचिंग की तो मुझे मिल गई थी, ये देखो एकदम मतलब पूरा मैचिंग हो रखा था, पर ये कपड़ा भी थोड़ा है ना अजीब सा है, तो सिलवटे पड़ेगी, तो इसलिए मैंने ये वाला यूज ही नहीं किया। एंड इसके साथ ना ये कौन सी लेस थी, कहाँ गई, हाँ ये वाली लेस है ना, ये वाली मैच बैठी है, तो आई थिंक ये हो जाएगी इस पर। जैसे भी होगी अपन तो ट्राई कर रहे हैं, देख लेंगे अच्छा बनेगा। एंड मज़े की बात बताऊँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, मतलब मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मैंने स्टिचिंग वगैरह कभी की नहीं है, मम्मी को आती है बट मैंने कभी नहीं की, फिर भी मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करी हूँ, क्योंकि मम्मी ने मुझे ये चैलेंज दिया है तो कम्प्लीट तो करना ही पड़ेगा। तो आप एंड तक देखना कि मैं ये चैलेंज कम्प्लीट कर पाती हूँ या नहीं, या फिर मैं फेल हो जाती हूँ। पीयूष दांत दांत दिखा ना पीयूष, दांत आज रंजना को चैलेंज दिया है कि कुछ नया ट्राई कर, तो इसके लिए मैंने ये फैब्रिक निकाला है, तो देखते हैं इसमें ये पास होती है या फेल होती है। ये वाली लेस दी है डिजाइन करने के लिए, हाँ मुझे ये वाला फैब्रिक निकाल के दिया, कोई फैब्रिक दे ही नहीं रही है, देखो कितना अच्छा है। बापू थारो कोटो सिको डॉलर हाँ, तो अभी मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या स्टार्ट करूँ, सबसे पहले क्या करना है, पर स्टार्ट तो करना पड़ेगा, जैसे भी फाड़ना टूटना जो भी करना करेंगे, देखती है मम्मी हेल्प नहीं करेगी मेरी बिल्कुल भी, मुझे खुद को ही करना है सब। तो अभी शुरू करा आपा, तो उसके लिए ये कपड़ा देखा ही होगा कैसा लगेगा, पहले देख तो ले। एंड मैं बता दूँ मैंने जो डिजाइन सोचे है ना वो थोड़ा हार्ड भी है, और बता नहीं बनेगा या नहीं, ट्राई करेंगे, ये तो लग रहा है, लग तो अच्छा रहा है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, एंड मम्मी भी यहाँ पे अपना काम कर रही है, तो अपन भी करते हैं। तो इसके लिए मैं पहले फ़ोन स्टैंड पे लगा देती हूँ ताकि आपको सब कुछ पता चल जाए। तो मैं ना इस डम्मी पे ट्राई करने वाली हूँ, सबसे पहले नाप वगैरह लेती है ना, मेजरमेंट वो सारा मैं इस डम्मी पे लूँगी, उसके बाद कटिंग करूँगी। सबसे पहले मैंने ये कपड़ा ले लिया, एंड यहाँ पे डम्मी, तो मैं पहले है ना बैक साइड मेजरमेंट लूँगी, जिसको फोल्ड कर लिया मैंने इतना इतना, बिकॉज यहाँ पे साइड कुछ आएगा अंदर, तो फिर यहाँ पे एंड पिंस हाँ, तो मैंने ये पिंस भी लिया यहाँ पे लगाने के लिए। बराबर कैसे आएगा मुझे यही समझ नहीं आ रहा, तो अभी इस साइड लगाना है, एंड अभी यहाँ पे लगा देती है ताकि किसके ना, एंड देसी जुगाड़ भी लगा देती, यहाँ पे दो लगा देती है ताकि फिर ये नीचे ना किसके। ओके अभी इसकी फिटिंग नहीं अच्छे से,
एकदम ताकि टाइट हो जाए अच्छे से। एंड ये मेरे साइज की डम्मी है तो मैं इसके नाप की बना रही हूँ। यहाँ पे लगा देते हैं टाइट करके। एंड अब आप देख सकते हो यहाँ पीछे से एकदम फिटिंग आ गई है। एंड ब्लाउज अपन जितना यूज करते हैं फैब्रिक भी कट कर देंगे ताकि वो सिलाई के अंदर आएगा, स्टिचिंग के अंदर। एंड अभी हम इसको कटिंग करनी है, ये बैक साइड की कटिंग होगी अभी। एंड इससे मैं टाइट करके एंड मैं देखना मैं क्या बनाती हूँ। मुझे खुद को नहीं पता कैसा बनेगा एंड मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, फिर भी मैं आइडिया लगा लगा के बना रही हूँ पूरा। एंड अब इसकी कटिंग भी कर लूँगी। सो चलो कटिंग करती है पहले। पहले ना मैं देख लेती हूँ मुझे काम काम पर कटिंग करनी है। आई थिंक ये वाली लाइन सही है तो अभी हम कटिंग कर लेते हैं। कुछ डिजाइन भी करने वाली हूँ। अभी हमने पीछे की बैक साइड की कटिंग की है एंड अभी हम आगे की साइड की करेंगे, तो उसके लिए मैंने फैब्रिक उसी टाइप से लिया है, थोड़ी बहुत अलग होगी आगे की कटिंग। तो ऐसे करके यहाँ पे पिन लगा देंगे, यहाँ से पकड़ लो। वेरी गुड, फिर सेल्फ करा रहा है। एंड अभी इस साइड से भी पिन कर देंगे। तो हम फैशन डिजाइनर तो नहीं है बट ट्राई कर रहे हैं कि कुछ शायद चैलेंज दिए ना तो वो पूरा तो करना ही। वाओ वाओ वाओ, क्या चैलेंज है? क्या वाओ? कुछ नहीं, कैसा लग रहा है? अच्छा बना रही हो ना? हाँ हाँ, आगे से दूर हो जा, फोटोज कट कर। इसको बनाने में तो मौत आ रही है, कितनी मुश्किल से ये वाला। देखो माँ अपना काम कर रही है, मैं अपना खेल रहा। इसमें कटिंग करवा दे, ले कटिंग कर ले, बहुत टाइम लगेगा इसमें। तो अभी कटिंग कर लेते हैं इसकी। अभी इसकी ना पूरी कटिंग हो गई है एंड स्लीव्स के लिए मैंने ये लेस ली है, मैंने आपको बताई थी। तो ये मैं यहाँ पे लगाऊंगी। कैसी लग रही है आपको जरूर बताना। मैं मम्मी से थोड़ा बहुत पूछ रही हूँ। एंड मैंने ये लेस ली है यहाँ पे लगाने के लिए स्लीव्स के। एंड गाइज आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे जैसे मैं ना इसको कटिंग कर रही है ना तो ये बहुत ही ज्यादा ना प्रीटी सा लग रहा है। तो मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि मैं बना रही हूँ। कटिंग कर लेते हैं यहाँ से। मैंने बैग थोड़ा सा ओपन किया है एंड पीछे से थोड़ा डिजाइन वगैरह सोचा है, तो अभी इसको कट कर लेते हैं। गाइस आप देख सकते हो मेहनत, मतलब अभी तक मैंने की है सिर्फ एंड मुझे 2-3 घंटे हो गए एंड अभी बैठी भी नहीं हूँ, कब से कटिंग कर रही थी इसकी। एंड जो कहते हैं ना बहुत ईजी कुछ नहीं होता, सब हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड। एंड अभी भी सिलाई और करनी इसकी स्टिचिंग, तो देखते हैं कब तक होगा। एंड आप देख सकते हो मैंने पूरा फैला रखा है एकदम। एंड उसको देखो वहीं पे। एंड मम्मी से पूछते हैं कि मैं चैलेंज कंप्लीट कर सकती हूँ या नहीं, तो पूछते हैं। तो बताओ मम्मी किया मैंने कटिंग? अच्छी की है, ज़रूर करेगी है, अच्छे से हो जाएगा। देखो अपनी सिलाई करी है, मतलब ही नहीं है कोई। बेचारे बच्चे यहाँ पे परेशान हो रही है। चलो कोई नहीं करते। मैं कब से बैठी हूँ पर अभी तक मम्मी की सिलाई कंप्लीट ही नहीं हुई। वैन अपनी डम्मी भी यहीं पे खड़ी है। तो फिर आज का वीडियो यहीं पे एंड कर देना चाहिए हमें, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है। एंड इसका फुल जितना जो भी है ना फुल लुक आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाई देगा, जो कि मैं कल अपलोड कर दूँगी इसका नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि आज अंधेरा सा भी होने लगा है एंड टाइम भी हो गया है, क्योंकि फर्स्ट टाइम बनाया है एंड मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बना रही हूँ। तो गाइस अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है मेरे से कटिंग हुई है एंड अभी मम्मी भी सिलाई करी है, तो मशीन मम्मी यूज़ करी है। तो एंड मुझे लगता है आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो आई थिंक मुझे आज यहीं पे एंड कर देना चाहिए वीडियो। एंड इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा कल। सो आई होप कि आपको अच्छा लगे। एंड अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।